टच वुड, गॉड्स ब्लेसिंग्स, माता पिता का आशीर्वाद, आप सबका प्यार, सारे फैंस जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने प्यार दिया है, आई थिंक ये दुआओं का असर है वेरी फ्रैंकली, बिकॉज बॉम्बे शहर में मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक एक्टर है, या और इंस्टाग्राम या ट्विटर या स्नैपचैट अगर आप देखें तो इतनी सारे लोग रील्स बना रहे हैं, इतने एक्साइटेडली परफॉर्मेंस करते हैं, डांस करते हैं, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म. एंड जब यू नो एक एक्टर को इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं ऑन स्क्रीन एक ग्लोबल ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, तो आई थिंक ये गॉड्स ब्लेसिंग्स है. एंड मैं बहुत बहुत यू नो शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. और मैं हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि ऑडियंस जो है वो जब भी मेरा कोई शो देखे, मेरा काम देखे, तो उन्हें हमेशा अच्छा लगे, यू नो लाइक मैं अच्छा काम करूँ, कभी भी कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे ऑडियंस को लगे कि यार ये कैसी स्टोरी थी, या ये क्या कर रहे हैं, ये क्या काम है. तो आई हैव ऑलवेज बिन वेरी पर्टिकुलर अबाउट, वेरी चूजी ऑल्सो, कि मैं टेलीविजन पे अच्छे शोज करूँ, अच्छे मेकर्स के साथ करूँ, अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है. आई थिंक शाकला का बूम बूम मेरे दिल के बहुत करीब है वो शो, एंड जो स्टार प्लस पे है. एंड एक बहुत युवराज कैरेक्टर जो था घर की लक्ष्मी बेटियाँ, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद है, बिकॉज उसमें मुझे मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर था मेरा, एंड उसके साथ साथ ग्रे शेड्स भी थे, यू नो जो बिगड़ा हुआ बच्चा, यू नो एक तरीके से चार बहनों का भाई, तो उसमें जो यू नो हरकतें करने को मिलती थी एज अ कैरेक्टर. हाँ मैं आई डोंट ड्रिंक, मैं आई डोंट स्मोक, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मैंने कभी भी ड्रिंक स्मोक नहीं किया है. एंड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ, एंड यू नो 6 बजे तक उठ जाऊँ, 6:30 बजे तक. आई फॉलो अ वेरी हेल्दी ईटिंग हैबिट मैं, बट हाँ कभी कभी जब मन करता है तो जलेबी खा लेता हूँ, समोसे खा लेता हूँ. या आई लव जलेबी, और मुझे समोसे बहुत पसंद है. अभी जैसे बारिश का मौसम है तो भजिया कभी कभी खाने को, यू नो कहने का मतलब ये है कि मैं एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज वर्कआउट करता हूँ 7 days अ वीक, एंड नो रेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स माई हैबिट, यू नो, एंड मेरा हैबिट फॉर्मेशन जो है दैट गिव्स मी रिजल्ट. अगर वो एक दिन गैप हो जाता है तो फिर यू नो माइंड में ऐसा लगता है कि चलो नेक्स्ट डे भी ले लो छुट्टी, या सो आई डोंट टेक अ गैप. ये आई थिंक, हाँ आई थिंक आपने वो क्रैक कर लिया है कि दिस इज़ अ सीक्रेट, कि आई डोंट टेक वो. एंड मैं अच्छा कंटेंट भी देखता हूँ, अगर मैं टीवी पे भी कुछ देख रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स हो या कोई भी वेब सीरीज़ हो, यू नो मैं अच्छा कंटेंट देखता हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अपने माइंड, मैं बुक्स पढ़ता हूँ काफ़ी, विपश्यना करता हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, या आई डू, आई हैव डन विपश्यना ट्वाइस जाकर वहाँ पर. एंड या एंड एंड आई विल टेल यू व्हाट, इन आज के ज़माने में इट्स, पहले शायद इतना फोकस नहीं होता था मेंटल हेल्थ पर या फिर अपनी फिजिकल हेल्थ पर, लेकिन आज की जो जनरेशन है सब बहुत यू नो दे वांट टू ईट राइट, दे वांट टू गो वीगन, दे वांट टू सम कोई नेचुरोपैथी कर रहे हैं, कोई यू नो लाइक कीटो डाइट कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि एंड आपके पास इतना मटीरियल भी है, यू नो अगर आप ऑनलाइन जाएँ तो बहुत सारे लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं क्या वो फॉलो कर रहे हैं. आज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता करना है कि विराट कोहली की डाइट क्या है, तो आई कैन गो सर्च, आई कैन सी इंटरव्यू, हिज इंटरव्यूज ओनली वो जो बता रहे हैं, या फिर मिस्टर अक्षय कुमार, यू नो. सो आई थिंक जो बहुत फिट हैं आप, आई थिंक उनको फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपका 90% जॉब हो जाएगा, यू नो. आई थिंक शाकला का बूम बूम वो सच अ बिग क्रेज अमंग किड्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो मैं जब कलकत्ता गया था अपने कजन्स के पास, तो मैं उनको स्कूल पिकअप करने गया, एंड वहाँ स्कूल में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भीड़ लग जाएगी कि यू नो द कॉप्स हैड टू कम एंड स्टॉप, बिकॉज वहाँ ट्रैफिक हो गया. एंड फिर मुझे वहाँ पर, आई स्टिल रिमेंबर, कॉप्स आकर उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल किया, उन्होंने बकायदा यू नो मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ यू नो वील एस्कॉर्ट यू टू योर कार, एंड आप प्लीज़ अभी यू नो लाइक यू मेट योर, यू पिक्ड अप योर कज़न, बिकॉज बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पर ट्रैफिक, एंड एवरीबडी वॉन्टेड ऑटोग्राफ्स, एवरीबडी वॉन्टेड टू चैट विथ मी, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर.
एक अमेजिंग फीलिंग थी। एंड मेरे कज़न्स जो थे, मेरा ब्रदर अक्षय, मैंने उनसे कहा नहीं कि किंगशुक जो है वो कलकत्ता में है, तो मैंने खाली यू नो किंगशुक को कहा कि ये एड्रेस है एंड गो एंड विजिट माय कज़न ब्रदर देयर। एंड उनकी मम्मी को भी कह दिया था कि आपका लंच यू नो लाइक प्लीज़ हैव इट विद माय फैमिली देयर, हैव अ गुड टाइम। एंड दे वर वेरी स्वीट, यू नो मैम बहुत स्वीट थी, किंगशुक वॉज वेरी स्वीट दैट वो गए। एंड इतना बड़ा सरप्राइज मिला मेरे कजन्स को, बिकॉज किंगशुक वॉज यू नो लाइक द हॉट फेवरेट, जिसके पास वो पेंसिल थी। सी मेरा मानना यह है कि मैंने फिल्म की थी हमदम और यात्रा, यू नो शाकला का बूम बूम के बाद, एंड तब एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ फिल्म एक्टर, क्योंकि उस वक्त OTT था नहीं एंड टेलीविजन यू नो लाइक इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक वो बात थी मुझ में कि आई वॉन्ट टू वर्क विद अ गुड स्टोरी टेलर्स। यू नो आप जब एक गुड फिल्म मेकर के साथ आप काम करते हैं तो आपका काम जो है वो बहुत निखर के आता है एंड आप ज़्यादा लोगों के दिलों में आपकी जगह बनती है, यू नो बिकॉज ज़्यादा लोग आके देखते हैं। तो जब मैंने फिल्म करना शुरू किया, जो दो फिल्में की, उसके बाद आई रियलाइज वन थिंग, या तो फिर आप 2-3 साल रुको एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए, या फिर आप टेलीविज़न करो। एंड टेलीविज़न के लिए एक अलग डिसिप्लिन चाहिए, आप 25-30 दिन आप काम कर रहे हैं, हाँ 12-14 घंटे आप काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो जब मैंने टेलीविज़न करना शुरू किया मुझे बहुत मज़ा आया, आई लव्ड इट। एंड मैं कह सकता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल कि यू नो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन टेलीविज़न, क्योंकि एक इतना अमेजिंग मीडियम है कि हर दिन आपको वो कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है, जैसे शाकला का बूम बूम हो या युवराज हो या अदालत हो या फिर यू नो चलती का नाम गाड़ी का करण हो या कुल्फी कुमार बाजेवाला में यू नो विक्रम आहूजा हो, तो ये जितने भी सारे किरदार हैं, माइका में जीत हो, तो एवरी डे यू गेट टू प्ले इट। तो मुझे इतना वो एक तरीके से आपकी एक फैमिली बन जाती है, यू नो एंड वो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने लक्स परफेक्ट ब्राइड मैंने एंग होस्ट किया स्टार प्लस पे, होस्टिंग वॉज ग्रेट फन। तो ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आया। एंड एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि जब OTT जब आया तो मुझे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला एंड वो एक अलग क्रू था वहाँ पे, उनकी शॉट टेकिंग अलग है एंड जो बाकी के जो एक्टर्स हैं उनका माइंडसेट अलग है। यू नो वो फिल्म कर रहे हैं, वो शायद वो टेलीविज़न नहीं कर सकते, 30-25 दिन का कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो वो एक अलग कोलैबोरेशन था, बहुत मज़ा आया। देयर वाज ग्रेट एक्सचेंज ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ एंड आई हैड अ गुड टाइम। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप देखें, मिस्टर बच्चन हैज़ ऑल्सो डन वेब सीरीज इफ आई एम नॉट मिस्टेक, नहीं मिस्टर बच्चन हैज़ नॉट डन बट या नॉट येट, बट मिस्टर शाहिद कपूर हैज़ डन एंड मिस्टर मनोज बाजपेयी हैज़ डन एंड एग्जैक्टली, सो इट्स अमेजिंग अगर आप देखें। एंड आई थिंक OTT जो है, वेब सीरीज़ जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है अब वे फिल्म मेकर्स ऑल्सो गोना कम, टेलीविजन एक्टर्स, टेलीविजन डायरेक्टर्स विल ऑल्सो मेक, या सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरी टेलिंग। एंड एन एक्टर लाइक मी, अब जिसने मैंने फिल्म भी की जब यू नो 2004 में 2005 में, मैंने टेलीविजन भी किया, मैंने अभी वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, तो आई जस्ट फील दिस दैट इट्स ग्रेट कि आप एक एक्टर हो और अच्छा काम करते चलो, मेरा ये मानना है। TV हो, OTT हो या फिल्म हो, यू नो जस्ट बी काइंड, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड एंड मूव ऑन। सी अगर मैं सच कहूँ तो आई थिंक बिग बॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑन टेलीविजन, अगर मतलब बिग बॉस से बड़ा कोई शो ही नहीं, बिगेस्ट रियलिटी शो एंड इट हैज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा, यू नो मिस्टर सलमान खान। एंड तो द फैक्ट दैट आई थिंक बिग बॉस की सबसे बड़ी USP ये है कि कोई भी कंटेस्टेंट हो, ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सलमान सर, यू नो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, नॉट एग्जैक्टली नॉट ओनली शेयरिंग अ स्क्रीन स्पेस बट आई थिंक नोइंग हिम ऑल्सो, बिकॉज वो आप अगर 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने जो है शो का फॉर्मेट, उसमें सलमान सर इज टॉकिंग टू यू डायरेक्टली ऑन 1-on-1, राइट, वो आपको जानते हैं, वो देख रहे हैं आपको, आई थिंक वो ही सींग योर गेम, ही सजेस्टिंग यू, सो आई थिंक एक बॉन्ड बनता है। एंड आई थिंक फॉर एवरी पर्सन लाइक मी या आई थिंक अदर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो हु आर बिग सलमान खान फैंस, आई थिंक यू नो अगर आप हर सैटरडे या संडे आप सलमान खान सर के साथ आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर रहे हो गेम पर एंड ही इज़ नोइंग यू एंड यू आर हैविंग अ बॉन्ड विद हिम, आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बिग बॉस, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई एवरी वन डज इट मेरे हिसाब से।
एंड वेर इट कम्स टू फेम एंड दिस दैट आई थिंक वेरी फ्रेंकली आई हैव नॉट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टिल नाउ वेरी फ्रेंकली बट एंड फॉर मी अभी तक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है बिग बॉस के लिए बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो लड़ाई हो जाती है वहाँ पे लोगों की और मुझसे आई थिंक हाँ शायद नहीं होगा या नहीं तो फिर यू नो आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट ऑन कैमरा यू नो लाइक वो जो एक आई थिंक आई एम अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज आई डोंट इवन वॉच बिग बॉस मैंने आज तक बिग बॉस के हाँ हाँ मतलब आई हैव नॉट वॉच्ड आई थिंक एनी सीजन आई हैव वॉच्ड समटाइम्स लाइक कभी कभी हाँ सम क्लिप्स देखे मैंने बट आई हैव नेवर फॉलोड लाइक हर दिन देखना है तो वो मैंने कभी किया नहीं है एज इट इज एंड बट येस एक चीज़ है कि यू जस्ट मतलब ईच टाइम बिग बॉस कम्स इट एवरी ईयर इज़ अ बिगर सीजन मतलब सो आई थिंक इफ आई गेट ऑफर्ड इन द फ्यूचर I might take it up. Yeah, मतलब I wouldn't say never. Yeah. I think yeah. I talks are on for a new show and it's a touchwood. God is kind with God's blessings. बहुत it's a very very good show with a very good television producer yes. and I'm it's looking a great forward. Deal for you, man. Yeah. So all my fans out there, I want to say a big big thank you. फॉर सपोर्टिंग मी फॉर लविंग मी आप लोग सब हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे लिखते थे या फेसबुक पे भी लिखते थे कि व्हेन इज़ योर नेक्स्ट शो कमिंग सो आई एम कमिंग विद अ वेरी गुड शो एंड उसके बारे में मैं बाद में बात कर पाऊँगा आई विल लेट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर स्पीक ऑन माई बिहाफ फर्स्ट एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट